गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरी बन रही है अभी चाय, और मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो उनके जाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। सुबह से वही रोज का डेली का काम, झाड़ू करना, पोंछा करना, ये सब। तो बच्चे बिल्कुल जस्ट मेरे अभी गए हैं, और चाय पीने के बाद मैं लगा रही हूँ अपने सबसे आगे वाले हॉल में झाड़ू। और धूप देखो कितनी तेज़ आ गई है यहाँ पर मेरे हॉल में, आप देख सकते हैं धूप अलग ही दिख रही है। तो यहाँ मैं सारे ये जूते वगैरह हैं जो बाहर डले रहते हैं उनको सही से रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना सब फैला के रख देते हैं, जैसे ही स्कूल जाते हैं सब फैला के चले जाते हैं, सारे सूज वगैरह सब उल्टे सीधे, क्योंकि वो भी अपने स्कूल के सूज यहीं पर रखते हैं, इस वजह से वो अपने सूज निकालते हैं तो सारे सूज ख़राब कर देते हैं। तो बस उनके जाने के बाद मेरे सारे ये काम शुरू हो जाते हैं, झाड़ू करना, पोंछा करना, घर की साफ़ सफाई, रोज़ का डेली यूज का जो मेरा काम है। और अकेली बसती हूँ फिर मैं बच्चों के जानों के बाद, तो आराम से अपना काम, घर का काम रिलैक्स करती रहती हूँ। चाय पीने के बाद मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लंच में मैं उनके लिए बनाती हूँ वही लंच मैं कर लेती हूँ, और कभी कभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है तो कर लेती हूँ, कभी कभी भूख नहीं लगती है तो मैं नहीं करती हूँ। तो जो लंच बच्चों के लिए बनता है उसी को मैं लंच कर लेती हूँ और फिर अपने काम करती हूँ घर के सारे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ पोंछा, और हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ मैं, सही रहता है, सफाई अच्छे से हो जाती है हाथ के पोंछे में, और डंडे वाले पोंछे में क्या है ना सफाई ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये रखा है मेरा दही, तो इसमें लगानी है मुझे मशीन, लाइट आ गई है तो इसमें मैं जल्दी से मशीन लगा देती हूँ। तो ये मेरा दही रखा है तो इसमें से मक्खन निकलेगा ही, मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है तो ये मशीन चलती रहेगी और मैं अपने काम कर लेती हूँ जब तक, पानी भर लेती हूँ, बोतलें वगैरह भर के रख देती हूँ क्योंकि अभी लाइट है इसलिए, और ये मशीन तो इसी तरह से चलती रहेगी। तो ये देखो मैंने दही भा लिया, और ये देखो कितनी सारा घी निकल आया, मक्खन बोलेंगे हम इसको। तो ये मक्खन है जो मैं उसको निकाल लेती हूँ, तो ये रख लेते हैं यहाँ। ये कुछ पहले का मक्खन रखा हुआ है मेरा, और अभी का ये मैं निकाल रही हूँ। तो ये है मेरा मक्खन, कुछ मेरा पहले का था और कुछ आज का है, तो सब मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, फ्रिज में रखती जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक साथ ही इसको गर्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं निकलता है, वैसे भी गाय का दूध है ना तो थोड़ा सा ही मक्खन निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। तो मैं ना एक दो बार का इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं गर्म करती हूँ। तो यहाँ मैं मक्खन को गर्म कर रही हूँ, तो ये ना जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो बनेगा घी। तो यहाँ मैंने रख दिया है अपने इंडक्शन पे उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी लाइट है तो लाइट का नहीं रहता है कोई भी भरोसा कब चली जाए और कब नहीं। तो यहाँ देखो मेरा घी बन गया है, और कितना येलो कलर का है, क्योंकि ये गाय का घी है ना इस वजह से, और अगर भैंस का होता तो वाइट कलर का होता, तो ये है गाय का घी। तो देखो कितना पीलापन है इसमें, गाय के घी में बहुत ज़्यादा पीलापन है। तो यहाँ मेरा जितना भी मक्खन था ना दूध का, वो पूरा मैंने गरम कर लिया है, तो उसमें मेरा इतना घी निकला हुआ है। तो इस घी को अच्छे से ये गरम हो जाएगा, अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, अभी और इसको गरम करना है। तो इस तरह से मेरा ये देखो घी बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसको जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, तब मैं इसको डिब्बे में रख लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो नहा धो के फ्री हो गई हूँ, और मंदिर की पूजा भी हो गई है मेरी। तो अभी मैंने खाना बना लिया है, और आज मैंने खाने में बनाए हैं आलू के पराठे और दही और चटनी, तो बस वही लेकर आई हूँ, तो उसी को खा रही हूँ क्योंकि समय हो गया है ज़्यादा, तो मुझे लग रही है भूख, तो बस वही खा लेती हूँ। है मेरे आलू के पराठे, दही और चटनी, तो हम खा लेते हैं। ठंडे हो गए, काफ़ी देर से बनाए थे, मैं बना के रखे थे, थोड़ा सा काम करने लगी तो इतने में ही ठंडे हो गए।
और यही मैंने आज सुबह लंच में बनाए थे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो वो स्कूल लेकर गए हैं। फ्रेंड्स, से खाना खा के मैं अभी जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह वॉश करके डाले थे इस वजह से, तो अभी मैंने डाल दिए हैं वो और घर के सारे काम से अब जाके फ्री हुई हूँ। तो अभी मेरे बच्चे भी नहीं आए हैं स्कूल से, तो उनका भी वेट कर रही हूँ। अब ना बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है और अभी भी स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, अभी भी स्कूल चालू है और बंद हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती है जहाँ से जाने आने में बहुत ज़्यादा, और स्कूल में भी बहुत गर्मी हो रही है अभी। तो मैं भी देख रही थी शादी का कार्ड, तो ये शादी का कार्ड आया है और कल ही आया है ये शादी का कार्ड, और किसका शादी का कार्ड है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस खाना खाने के बाद फ्री होके बस मैं इस कार्ड को ही देख रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इस कार्ड को, तो दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है हमारे यहाँ शादी का कार्ड, ये है मेरे भाई की शादी। तो ये कुछ इस तरह से है ये कार्ड, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा, ये देखो, इसको हम ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं कहीं भी, कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा शादी का कार्ड है। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो ये निकल गया। तो ये है मेरे भाई की शादी का कार्ड जो कल ही आया है, और शादी में हम लोगों को सबको जाना है, तो कुछ इस तरह से ये शादी का कार्ड। तो काफ़ी अच्छा है इसका ये लुक, बहुत प्यारा लग रहा है, जो ओम बना हुआ है काफ़ी सुंदर प्रिंट है, बहुत अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है इसकी, और यहाँ पे ये डोरी लगी हुई है तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। इस तरह से टांग सकते हैं हम इसको, काफ़ी ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सुमित एंड संध्या एस एस, दोनों का नाम बिल्कुल सेम राशि है, एस एस। भाई की शादी का कार्ड जो मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया, और हम सब लोग जाएंगे अब शादी में, और पता है शादी में बहुत मस्ती होने वाली है इस वाली शादी में, और बहुत अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वहाँ की पूरी शादी। और आप सब लोग ना ज़रूर देखना और ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि ना बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं अब शादियों के, बहुत ही प्यारे प्यारे, और इतनी शादियां हैं ना बहुत ज़्यादा, और अभी मैंने ना अभी कोई भी मेरी शॉपिंग नहीं हुई है, तो अब मुझे ना अभी शॉपिंग भी करना है अपने भाई की शादी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग है ना अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए ना मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करती हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और आप मेरा फुल वीडियो वॉच करो। कैसा लगा आज का ब्लॉग्स तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।